you. Hello friends, I am Dr. Omesh Bansod from the Department of English, Jayampatil Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are discussing Stay Calm, a poem by Grenville Klesher, an American poet. Let us try to understand what does Grenville Klesher want to convey through this poem and why there is a need to stay calm when we are disturbed, when we are perturbed, when we are insulted by somebody else's. In these adverse conditions, how to stay calm, how to keep control of mind, and how to pave the way for future is the important suggestion given by Grenville Glacier in this poem. Let's try to understand what does he wants to convey through this poem. Grenville Glacier, born in 1868 and died in 1935, was the author of a long list of inspirational books and guides to the ओरेटोरिकल सक्सेस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट उन्नीसवें शताब्दी में ग्रेनविल क्लेजर एक जाने माने इंस्पायरेशनल ओरेटर के रूप में जाने जाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा साहित्य उन्होंने लिखा है इस कविता के माध्यम से भी वो पर्सनालिटी के एक अलग अंग को उजागर उजागर करते हैं अमंग हिस्स टाइटल्स वेर इंस्पायरेशंस एंड आइडियल्स क्राइस्ट द मास्टर स्पीकर

टू बिजनेस uh, इस प्रकार का एक नोट लिखकर उन्होंने इस चेक को बांटे भी थे उस समय इन दिस पोएशल रीडर्स टू द मेनी बिग एंड के बहुत सारे चढ़ाव उतार जब मनुष्य के जीवन में आएंगे ऐसी अवस्थाओं में ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कैसे शांत रखना इसके बारे में कलेश बात करते हैं एक ही महत्वपूर्ण हथियार हमारा साबित हो सकता है शांत रहना ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ताकि हम एडवर्स कंडीशन के ऊपर विजय हासिल कर सके इस कविता के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी हमें तलाशने हैं थ्रू दिस पोएम द फर्स्ट एग्जाम इन द बाइनरी ऑफ द पीस एन थर्मोइल इन दिस पोएम इस कविता के माध्यम से शांतता और उथल पुथल, ये दोनों के बीच के बाइनरी अपोजिशंस एक दूसरे के विरुद्ध ही पक्ष हमें तलाश करने हैं एग्जाम इन द थीम ऑफ द बैलेंस इन द पोयम इस कविता में बैलेंस शब्द का महत्व अन्य साधारण है किस प्रकार से हमें तुलनात्मक दृष्टि से बैलेंस रहना है अपने आप का बैलेंस संभालना है इस महत्वपूर्ण बात को हमें एग्जामिन करने की ज़रूरत है एलाबरेट ऑन दिस विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट और इसी कविता में से बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए, आपको इस बैलेंस शब्द के थीम को भी एक्सप्लेन करना है पैराफ्राइज द मैसेज ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स पैराफ्रेजिंग भी करना है आपको इस कविता का क्या मैसेज है अपने शब्दों में आपको बया करना है वॉट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज द मोस्ट वाइटल वाइटल थिंग इन लाइफ एंड वाई मस्ट यू मास्टर इट जिंदगी में कवि के अनुसार कौन सी चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें उसके ऊपर क्यों पूरी तरह से नियंत्रण हासिल करना है इस बात के भी जवाब हमें ढूंढना है डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम इस कविता की टोन कैसी है एंड टोन कंट्रीब्यूट टू द पॉइंट टू द पॉइंट द पॉइंट इस ट्राइंग टू मेक और किस प्रकार के अहम मुद्दे को ये कविता सामने रखना चाहती है और कविता के टोन जिस प्रकार से क्लेशर ने मेनटेन की है वो किस प्रकार से इस मैसेज को ऑडियंस के सामने रीडर्स के सामने लाती है इस बात का भी वर्णन आपको करना है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जिनका पीछा हमें इस कविता के माध्यम से करना है Let us try to understand what Klesher wants to convey out of this poem. When you feel like saying something that you know you will regret or keenly feel an insult, not quite easy to forget, that's the time to curb resentment and maintain a mental peace. For when your mind is tranquil, all your ill thoughts simply cease. Let us consider the entire stanza as a sentence. कंप्लीट सेंटेंस के तौर पर लेते हैं क्या कहते हैं ट्रैंक्यूल पोजीशन के बारे में फील लाइक like you know, you know जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आप जानते हैं जिसके बारे में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा दैट यू नो यू विल रिग्रेट ऐसी कुछ चीज़ें आप जानते हैं महसूस करते हैं जिसके बारे में आपको पछतावा होता हो और किनलीफील इंसल्ट या ऐसा समझ लीजिए कि आपको बहुत अपमानित महसूस होता है और नॉट क्वाइट इजी टू फर्गेट ऐसी चीजें जो आप भूल नहीं सकते चाह कर भी देर्ट्स टाइम टू कर्ब रिजनमेंट और यही वो समय होता है जब आपको अपने एंगर के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल करना होता है एंड मेंटेन द मेंटल पीस और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपनी मेंटल पीस को अपनी दिमागी संतुलन को बनाए रखना और मन की शांतता को धारण करना फॉर वेन योर माइंड स्ट्रेंगल क्योंकि जब आपका दिमाग शांत रहता है ऑल योर इल थॉट सिम्प्लीसी आपके मन में आए हुए सारे जो बुरे विचार रहते हैं वो आपके मन से ऐसे ही निकल जाते हैं खत्म हो जाते हैं अपमानों की बात हो रही है जब आप अपमानित महसूस करें जब आपको ऐसा लगे कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए पश्चाताप करने वाले हैं तो सिंपल से एक बात कवि यहाँ पर समझा रहे हैं अपने ऊपर सिर्फ काबू रखना ऐसे बहुत सारे किस्से हमने इतिहास में सुने हैं कि जिन्होंने ढेर सारे अपमानों को सहन किया पर अपने अपमानों को उन्होंने अपमानों के बीच भी अपना आपा खोने नहीं दिया अगर मोहनदास करमचंद गांधी जी को साउथ अफ्रीका में अगर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के ट्रेन से ढकेल दिया नहीं जाता उनका अपमान नहीं किया जाता तो शायद मोहनदास महात्मा गांधी नहीं बनते तो उस अपमान को किस पॉजिटिव तरीके से उन्होंने लिया और फिर वहाँ से मोहनदास के महात्मा बनने का सफ़र शुरू हुआ भीम को सार्वजनिक नल पर पानी के लिए या छोटी छोटी चीज़ों के लिए जाति के आधार पर अपमानित नहीं किया गया होता तो शायद भीम राव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बनते और भारत के संविधान के निर्माता नहीं होते तो अपने अपमानों को इन लोगों ने कितनी ऊंचाइयों पर सम्मान के साथ स्थापित किया है इस बात के बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते चाणक्य का अगर नंद राजा के दरबार में अपमान नहीं होता तो शायद नंद वंश का नाश नहीं होता तो चाणक्य ने भी अपने अपमान को राष्ट्रीय रूप में प्रस्थापित किया है और अपनी एक अलग उदाहरण को स्थापित किया है तो जब भी आपका अपमान होता है इंसल्ट होता है तो क्लेशर वही कहते हैं कि आप सिर्फ मेंटल पीस अपना बनाए रखो क्योंकि इसी से आपके मन के सारे बुरे विचार गायब हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे द पॉइट ग्रैंड विल क्लेशर एडवाइस इज रीडेड टू कीप काम वैन यू फील सॉरी एंड इंसल्टेड जब आपको अफसोस होने लगे जब आपको अपमानित महसूस होने लगे तो बस दिमाग को शांत रखिए इट इज नॉट ईजी टू फर्गेट इंसल्ट ये बात को क्लेशर मानते हैं कि अपमानों को uh, या किसी भी प्रकार के इंसल्ट को भूल जाना ह्यूमिलेशन्स को भूल जाना आसान नहीं होता पर यही वो समय होता है अपने आप को नियंत्रित करने का वन सिर्फ एन मेंटल एंड मेंटेन मेंटल पीस दिस इज द इम्पॉर्टेंट बिकॉज वेन आवर माइंड इज पीसफुल देन ओनली इट इज पॉसिबल टू एंड आवर बैड थाट्स क्योंकि जब आपके दिमाग में उथल पुथल चल रही है बहुत सारी चीज़ों की उसी समय तो दिमाग को नियंत्रित करना है और यही वो समय होता है अपने आप को नियंत्रित करने का यही से हम अपने मन के बुरे विचारों को बाहर भगा सकते हैं समाप्त कर सकते हैं आगे क्लेशर क्या कहते हैं इज इजी टू बी एंग्री बहुत आसान है गुस्सा करना किसी के ऊपर भी अपनी भड़ास निकालना वेन रीफॉटेड और डिफाइड जब आप चीटेड महसूस करें लोग आपके साथ आपको फंसाने की कोशिश करें आपका इंसल्ट करें आपकी अवज्ञा करें टू बी पेड एंड डिसअपॉइंटेड इफ योर विशेष आर डिनाइड जब हमारी इच्छाओं का अपमान किया जाता है हमारी इच्छाओं को नकार दिया जाता है तो हम इरिटेटेड महसूस करते हैं चिढ़ जाते हैं निराश हो जाते हैं बट टू विन अ वर्थ वाइल बैटल और सेल्फिशनेस एंड स्पाइट पर जब स्वार्थ के ऊपर हमें अपनी विजय हासिल करनी है इस युद्ध में अगर जीतना है तो यू मस्ट लर्न टू कीप स्ट्रिक्ट साइलेंस तिरस्कार से युद्ध नहीं जीते जा सकते बुद्ध ने इस बात को हासिल किया तिरस्कार से सिर्फ तिरस्कार ही बढ़ सकता है युद्ध से सिर्फ युद्ध ही बढ़ सकते हैं बुद्ध की जरूरत और शांति की जरूरत होती है यू मस्ट लर्न टू कीप स्ट्रिक्ट साइलेंस बस मौन धारण कर लो मौनम सर्वार्थ साधनम दो यू नो यू आर इन द राइट आपको पता है कि आपकी भूमिका सही है आप सच बोल रहे हैं सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए पर यही तो समय होता है अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखने का जब सारी दुनिया आपका तिरस्कार करे जब आप बहुत ज्यादा इंसल्टेड महसूस करे जब आपके साथ लोग छलावा करे धोखा दे दे आपको इस समय भी आपके मन के ऊपर आपको नियंत्रण हासिल करना है आप भले ही सच हो

वी शुड कीप साइलेंस दो वी नो दैट वी आर राइट हमें भले ही पता हो कि हमारी भूमिका सही है फिर भी ऐसे समय हमें बहुत शांति के साथ ऐसे मसलों को सुलझाना uh, पड़ता है सुलझाना चाहिए आगे इकलहर कहते हैं सो कीप योर मेंटल बैलेंस तो फिर एक काम कीजिए अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखिए वेन कंट्रोल बाई फो कंफ्रंटेड बाई फो जब दुश्मन आपका विरोध करे जब दुश्मन विरोध करते हैं कोई झगड़े पर उतारू हो जाते तो हम भी आग बबूला हो जाते और जैसे क्यों तैसा उत्तर देने की कोशिश करते हैं पर जब कोई और झगड़ रहा हो तो किसी एक पक्ष ने शांत रहना जरूरी है बीट एनीमी इन एम्बुश दुश्मन आपका छुपा हो सकता है कहीं भी और सम डेंजर दैट यू नो या किसी ऐसे खतरे के बारे में जिसका आपको एहसास हो इफ यू आर पॉइज एंड ट्रांकल अगर आप थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वो थोड़ी देर के लिए रुकना ही जरूरी है अगर आप उस समय को पार कर लेते हैं तो जिंदगी आपकी पार हो सकती है एंड ट्रांकिल बस मन को एकदम शांत और शिथिल रखना वेन ऑल अराउंड जब सारी दुनिया संघर्ष से भरी हुई हो जब सारी दुनिया में उथल पुथल मची हो कॉन्फ्लिक्ट हो विरोधाभास की परिस्थिति हो दैट यू द मोस्ट वाइटल थिंग इन लाइफ अपने आप को इस बात को एश्योरेंस दे दो गारंटी दे दो कि आपने जिंदगी की सबसे अहम चीज को हासिल किया है अपने मन के ऊपर आपने काबू कर लिया है गारंटी टू मास्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इफ मेंटेन मेंटल बैलेंस एंड कीप माइंड पीसफुल वेन देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अराउंड द पीसफुल माइंड इज द मोस्ट पावरफुल वेपन अगेंस्ट ऑल एडवर्सिटीज कुछ नहीं करना है बस मन की शांति को आपको धारण करना है आप अगर शांत रहेंगे तो बहुत सारे मसले ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे ऐसा ग्रैंड uh, क्लेशर को विश्वास है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट एस होप दिस डिस्कशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वॉट ग्रैंड विल वॉट्स टू कन्वे थ्रू दिस पोएम This discussion will also help you uh, to understand uh, the paraphrasing for the examination point of view as well. Thank you very much.